लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि अगली वीडियो में हम सब इसी तरह मिल सके। अपनी राख से दूर जा अब तलाश में, परवाज देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी भेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों, क्योंकि अपना टाइम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग सीवी रेटिंग करते हैं, लेकिन गाइस सीवी रेटिंग करने से पहले हम लोगों को बैकग्राउंड और पीएनजी की जरूरत होती है, लेकिन गाइस हम लोग उस बैकग्राउंड और पीएनजी को क्रोम ब्राउजर या यूसी ब्राउजर पर सर्च करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम लोगों को इतनी एचडी क्वालिटी में नहीं मिलते हैं, और हम लोग जो बैकग्राउंड्स को यूज़ करना चाहते हैं, जिन बैकग्राउंड्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, वो हम लोग बैकग्राउंड्स वहाँ पर नहीं मिलते हैं। लेकिन गाइस आज की इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊँगा गाइस, जो आपको ए टू जेड वहाँ पर एडिटिंग से रिलेटेड ए टू जेड पीएनजीज बैकग्राउंड और पोज भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइस आप वीडियो को पूरा देखना, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है पिक्चर। गाइस आपको प्ले स्टोर पर जाना है। गाइस मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। गाइस जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करके, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है पिक्चर। गाइस आप जैसे पिक्चर एप्लीकेशन सर्च कर देंगे, अब गाइस आप जैसे पिक्चर एप्लीकेशन सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब गाइस इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। गाइस जैसे आपको डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। अब जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है। अब गाइस कैटेगरी यहाँ पे आपको जिस कैटेगरी में बैकग्राउंड या पीएनजी या सीवी बैकग्राउंड चाहिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर अगर आइडिया स्टॉक चाहिए, यानी गाइस आइडिया स्टॉक आपको किस टाइप में अपनी फोटो को क्लिक करवाना है, किस टाइप में नहीं क्लिक करवाना है, किस टाइप हमारे पर इस बैकग्राउंड को यूज़ करना है, तो आप गाइस यहाँ पर आइडियाज देख सकते हैं। ठीक है गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे हम लोग के सामने पीएनजीज आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर बैठकर हम लोग फोटो को क्लिक करवा सकते हैं, क्लिक करवाने के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस सेकंड बात आती है, यूज़ कर लेते हैं। अब गाइस सेकंड बात यहाँ पर है एचडी बैकग्राउंड्स। अब गाइस हम लोग जैसे एचडी बैकग्राउंड्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कई कैटेगरीज के बैकग्राउंड्स आ गए। अब हम लोग किस कैटेगरी में बैकग्राउंड चाहिए, अब यहाँ पर सीवी बैकग्राउंड है तो हम लोग सीवी बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कई प्रकार के एचडी बैकग्राउंड्स आ गए हैं, सीवी बैकग्राउंड। अब गाइस हम लोग अब इसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड बटन पर आप क्लिक करेंगे उसके सामने हमारा बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएगा। अब गाइस देख पा रहे हैं हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, लेकिन गाइस ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि हमारी जो फोटो है वो एचडी में डाउनलोड हो रही है। गाइस आपको यहाँ पर फुल एचडी में बैकग्राउंड्स मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम लोग कई टाइप के आपको बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। और गाइस सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन में रोज यहाँ पर डेली बैकग्राउंड्स अपडेट होते हैं गाइस, तो आप इस एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा। अब सेकंड नंबर आती है यहाँ पर मेनू प्लेसमेंट बैकग्राउंड। अब गाइस जैसे मेनू प्लेसमेंट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड्स ओपन हो जाएंगे। गाइस आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे बैकग्राउंड्स, आप चाहें तो इन बैकग्राउंड्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गाइस कुछ नहीं करना है, बस उस टाइप से गाइस आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद हमारी फिर से बैकग्राउंड्स यहाँ पर डाउनलोड होने लगता है। देखिए गाइस हमारा पहले वाला बैकग्राउंड डाउनलोड हो गया है। अब मैं आपको इसकी क्वालिटी को दिखा देता हूँ गाइस, अब आप इसकी गाइस क्वालिटी को देख लीजिए। ये देखिए गाइस हमारी क्वालिटी को, कितनी एचडी बैकग्राउंड्स डाउनलोड हुआ है। तो गाइस ये तो बात रही हमारी एचडी बैकग्राउंड्स की और मेनू प्लेसमेंट बैकग्राउंड्स की। गाइस यहाँ पर आप सेकंड पेज या थर्ड पेज पर भी जा सकते हैं और यहाँ से आप कई सारे बैकग्राउंड्स कई प्रकार के डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिर गाइस हम लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद अब मैंने आपको बता दिया सीवी बैकग्राउंड्स और मेनी प्लेसमेंट बैकग्राउंड्स के डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा मूवी पोस्टर पीएनजी। अब गाइस हम लोगों को जब हम लोग मूवी पोस्टर एडिटिंग करते हैं लेकिन उसके लिए हम लोग पीएनजी जरूरत होते हैं और बैकग्राउंड्स की भी जरूरत होती है, लेकिन गाइस हम लोगों को उस टाइप के बैकग्राउंड्स और पीएनजी नहीं मिलते हैं। लेकिन आप जैसे ही इस पर मूवी पोस्टर वाले पे क्लिक करेंगे उसके सामने हमारे उसके बाद गाइस हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड्स को और पीएनजी को। अब ये तो बात हो गई गाइस इसकी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखा है ब्लर्ड बैकग्राउंड। अब गाइस हम लोग को किसी भी हम लोग फोटो को एडिट करते हैं उसके बाद हम लोगों को ब्लर वाले बैकग्राउंड्स की जरूरत होती है, लेकिन गाइस हम लोगों को उस टाइप के बैकग्राउंड्स नहीं मिलते हैं और पीएनजी भी नहीं मिलते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी कितनी एचडी क्वालिटी में यहाँ पर बैकग्राउंड्स है। तो गाइस डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम लोग डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा बैकग्राउंड डाउनलोड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारा बैकग्राउंड डाउनलोड हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गाइस गोपाल पाठक के बैकग्राउंड। अब गाइस बहुत से एडिटर हैं जो लोग गोपाल पाठक के गाइस बैकग्राउंड्स को यूज़ करते हैं, उन लोगों की फोटो उन लोगों को अच्छी लगती है। तो गाइस यहाँ पर जैसे क्लिक करके यहाँ पर गोपाल पाठक के बैकग्राउंड्स ओपन हो गए हैं गाइस, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं।
गोपाल पाठक के बैकग्राउंड ओपन हो गए हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली गाइस मैं जो बता रहा हूँ वही आपको स्टेप फॉलो करना है। डाउनलोड करने के लिए गाइस डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और आपका बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएगा। अब बात आती है गाइस, ये मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आती है सनी जैक्सन के बैकग्राउंड। गाइस जो इस टाइम ट्रेंडिंग में बैकग्राउंड चल रहे हैं वो गाइस फोटो एडिटिंग चल रही है, वो है सनी जैक्सन की। आप जैसे सनी जैक्सन वाले बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे उसके बाद जितने भी सनी जैक्सन के बैकग्राउंड हैं आपके सामने ओपन हो जाएंगे। गाइस देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड ओपन होंगे। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गाइस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएंगे। अब गाइस बात आती है लास्ट वाली, यहाँ पे विजय महर। गाइस जो विजय महर है दोस्तों ये भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, आपके बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएंगे। सो गाइस ये एप्लीकेशन मुझको बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें सारे फीचर दिए गए हैं जो हम लोग चाहते थे। गाइस जिस टाइप के बैकग्राउंड उस टाइप के हम लोगों को बैकग्राउंड दिए गए हैं। अब गाइस आती है यहाँ पर आती है लेटेस्ट। अब गाइस इस टाइम लेटेस्ट यानी न्यू क्या चल रहा है, तो गाइस अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे गर्ल्स पीएनजी। गाइस हम लोग जब भी अपनी फोटो एडिट करते हैं उसके लिए हम लोगों को गर्ल्स पीएनजी की जरूरत होती है। तो गाइस अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस टाइप के पीएनजी आ रहे हैं। और गाइस यहाँ पर इतने पेज हैं 123, आप गाइस यहाँ से किसी भी पेज पर क्लिक करके फोटो को देख सकते हैं पीएनजी गर्ल्स पीएनजी। और यहाँ से गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर और भी एचडी में बैकग्राउंड्स आए हुए हैं। तो आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद आपकी फोटो डाउनलोड हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर आते हैं आइडियाज़। गाइस आइडियाज़ क्या, आइडियाज़ गाइस ये होते हैं कि हम लोगों को किस टाइप से फोटो को क्लिक करवाना है, किस टाइप से फोटो को एडिट करवाना है। अब गाइस जैसे इस टाइप में हम लोगों को फोटो को वेट कर गाइस फोटो को क्लिक करवा लेना है। क्लिक करवाने के बाद आपको अपनी फोटो को एडिट कर लेना है। तो गाइस अब यहाँ से क्लिक डाउनलोड करके अपने इस पोस्ट में आपको फोटो को क्लिक करवा लेना है। अब गाइस यहाँ पे हम लोग थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग सामने कुछ पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है। गाइस जैसे पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके सामने, उसके बाद गाइस आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएंगे। अब गाइस हम लोग जब भी अपनी फोटो एडिट करते हैं उसके लिए हम लोगों को पोस्ट की जरूरत होती है, बिना पोस्ट की गाइस हमारी फोटो नहीं एडिट हो पाती है। तो गाइस अब यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे सामने कुछ न्यू टाइप के पोस्ट ओपन हो गए। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद अपनी पोस्ट को फोटो को कुछ इस टाइप पे क्लिक करवा सकते हैं। और गाइस इस टाइप से क्लिक कराने के बाद अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं, रिटच कर सकते हैं। गाइस ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी है, इसके अंदर सारे फीचर हैं गाइस ए टू जेड यानी गाइस हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा। सिंपल में गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर पोस्ट मिल जाएंगे। यूनिक में क्लिक करेंगे गाइस आपको यहाँ पर यूनिक के पोस्ट मिल जाएंगे। अब गाइस यहाँ पर बहुत से पोस्ट आपको मिल जाएंगे जो लोग आप लोग यूज़ करना चाहते हैं अपनी फोटो में, उसी टाइप के अपनी फोटो को क्लिक करवा सकते हैं और उस बैकग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर आपको फॉन्ट्स पे क्लिक करना है। गाइस जैसे आप फॉन्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। गाइस अब गाइस यहाँ पे फॉन्ट्स को देख लीजिए, उसके बाद आप इस फॉन्ट्स को डाउनलोड करने के बाद गाइस आप इसको अपनी गाइस पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे देख पा रहे कितने अच्छे गाइस यहाँ पर पोस्ट ये आ चुके हैं, गाइस फॉन्ट्स आ चुके हैं। आप डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करिए। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपका फॉन्ट्स डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे जाना है, स्पेशल इवेंट्स पे क्लिक करना है। अब गाइस स्पेशल इवेंट्स पे क्लिक करने के बाद गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि आईपीएल स्टॉक महाशिवरात्रि, अब गाइस यहाँ पे कुछ भी होता है या गाइस होली दिवाली या रिपब्लिक डे, तो आपको यहाँ पर ए टू जेड गाइस आपको यहाँ पे स्टॉक मिल जाएंगे। आईपीएल गाइस इस टाइम आईपीएल चल रहा है तो आप लोगों को आईपीएल फोटो एडिटिंग करना अच्छा है। गाइस यहाँ पे आप आईपीएल वाले बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे आपके सामने आईपीएल वाले बैकग्राउंड ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से सिलेक्ट डाउनलोड करके अपनी फोटो को एडिट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे देख पा रहे होंगे और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आईपीएल वाले बैकग्राउंड ओपन हो गए हैं। गाइस पीएनजी डाउनलोड करने के लिए आपको आईपीएल पीएनजी पे क्लिक करना है। जैसे आप आईपीएल पीएनजी पे क्लिक करेंगे उसके सामने, उसके बाद आपके सामने एक कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे आपकी ये बैकग्राउंड और गाइस पीएनजी डाउनलोड हो जाएंगे। गाइस आपको यहाँ पर कई प्रकार के आपको बैकग्राउंड पीएनजी मिल जाएंगे। गाइस ये मुझको बहुत अच्छी एप्लीकेशन लगी, मैं इसे खुद यूज़ करता हूँ। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो गाइस आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।